पंचतंत्र की कहानी जादुई पतीला। सालों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकरा और तेज आवाज हुई। किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहाँ से एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया। किशन के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही किशन हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर किशन खुश हो गया और उस जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला आया। वो हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे किशन अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। किशन को अमीर होते देख जमींदार मोहन को किशन पर शक हुआ। वो सीधे किशन के घर पहुँचा। वहाँ जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज में किशन बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। किशन ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक नहीं सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी किशन की ही तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू दिया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। कहानी से सीख। जादुई पतीले की कहानी से दो सीख मिलती है। पहली कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है। दूसरी यह कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, अति हानिकारक हो सकती है।